तो फ्रेंड्स ये है उत्तराखंड देवभूमि। देखो कैसे हमने इसकी आईडी खोली। आईडी खोलने के बाद इसने यहाँ पे लिंक डाला हुआ था, इस लिंक पे क्लिक किया तो खुलती सामने क्या आता है, उत्तराखंड देवभूमि। आप जाके क्लिक करें, यही वीडियो इसके उत्तराखंड देवभूमि चैनल पर डली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो थी इसकी वो। अब पढ़ा जब फिर मैंने, जब ये वीडियो मैंने डाली आज, इसकी शॉर्ट वीडियो फोटो लगा के मैंने डाली, तो उसके तुरंत बाद क्या करती हैं मैडम जी, जैसे इनको पता चला, दोबारा जाती हैं इंस्टाग्राम पर और वहाँ से अपनी प्रोफाइल हटा देती हैं और लिंक भी हटा देती हैं ताकि हमको पता ना चले। लेकिन ये सोचती नहीं, जहाँ पे ये सोचना बंद करती हैं हम वहाँ स्टार्ट करते हैं। हमने इसलिए पहले ही वो इसकी वीडियो की क्लिप ले ली थी, कैसे हमने खोला इंस्टाग्राम, कैसे वो लिंक मिला और कैसे खोलकर उत्तराखंड देवभूमि मिला हमें। तो उसके बाद आप इसके कमेंट पढ़ लीजिए कैसे कैसे हैं। ये अमिता और उत्तराखंड देवभूमि एक ही आईडी है और साथ में ये सिमू द हिमालय गर्ल है। अब इसका भी मालूम चलने वाला है कि ये भी यही है या फिर कोई और है। तो आप देख लीजिए इसके सारे स्क्रीनशॉट्स, ये कैसी कैसी बातें करती है। शायद इसके माँ बाप को भी शर्म आती होगी इसको पैदा करके कि हमने कैसी औलाद पैदा की है। अगर कोई भी इसको जानता है, इसके आसपास रहता है अमिता बिष्ट, तो इसका फ़ोटो भी मैंने लगाया हुआ है, तो प्लीज़ इसके पेरेंट्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना, ये सारे स्क्रीनशॉट, ताकि इनकी मम्मी भी देख लें। इसलिए ही मैंने स्टार्टिंग में पहले वो लगाया है फ़ोटो कि कैसे हमने अमिता बिष्ट बिष्ट अमिता 15 इसकी इंस्टाग्राम आईडी है, हम उस पर गए, उसके बाद हमने इसका लिंक ओपन किया और लिंक ओपन करने के बाद वहाँ उत्तराखंड देवभूमि खुला। तो जब हमें पता चला कि अच्छा अमिता और उत्तराखंड देवभूमि एक ही इंसान है, और ये हम सोचते थे यार कोई लड़की इतना हद तक गंदा नहीं लिख सकती, लेकिन जब हमने इसके कमेंट पढ़े, लेकिन जब कल हमें मालूम चला कि एक लड़की है, सच में हम लोगों को भी शर्म आ गई कि इतनी लड़की होके इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है। तो प्लीज़ ये सारे इसके स्क्रीनशॉट्स, इसकी फ़ोटो, इसके पेरेंट्स तक ये वीडियो वायरल कर देना, ताकि इसके पेरेंट्स तक ये पहुंच सके कि उन्होंने अपनी बेटी को, उनकी बेटी उनके संस्कारों का कितने अच्छी तरीके से परिचय दे रही है। और ये अपने आप को बहुत साथी समझती है, इसने क्या किया बाद में फिर वो लिंक हटा दिया और प्रोफाइल फ़ोटो भी हटा दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उससे पहले हम सारे वीडियो बना चुके थे। अब धीरे धीरे इनके सारे जो हैं, तो देखो हम कोई मेहनत, जैसे ये मेहनत करते हैं ना, हमारे चैनल पे जाएंगे, हमारे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहाँ करोलेंगे, वहाँ ढूंढेंगे, लेकिन हम खुद नहीं ढूंढते हैं, हम कुछ नहीं ढूंढते हैं। जो ऊपर वाला है ना, आज सावन का पहला सोमवार था और ऊपर वाले ने हमें अपने आप ही सब कुछ दिखा देता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो ये तो थी उत्तराखंड देवभूमि की सच्चाई। अब कुछ लोगों का कहना है कि इसके जो सपोर्टर है ना, कोई टीबी का मरीज है, कोई सड़ा फेफड़ा है, कोई पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, कोई अंधा है। बेशक वो टीवी के मरीज हों, सड़ा फेफड़ा हों, चाहे अंधे हों, पर उनके अंदर ना दिमाग है, ठीक है, जो कि तुम लोगों के अंदर नहीं है। सही सलामत तो सूअर भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, पर उनके अंदर दिमाग नहीं होता, ठीक है। और इंसान की वैल्यू उसकी होती है जिसके अंदर दिमाग होता है। तो उनके अंदर दिमाग है, मेरे सपोर्टर्स के अंदर दिमाग से है और दिमाग से ही काम करते हैं, लोगों की तरह सिर्फ भोगते भोगते नहीं है, जो करना होता है वो करके दिखाते हैं। तो ये उत्तराखंड देवभूमि, हाँ एक चीज़ बोलती है कि एक्चुअली मैंने एक दिन रात के टाइम पर, तो एक बार और बताती हूँ कि मैंने एक दिन लाइव में वीडियो बनाई रात को, तो लाइट जो है वो कम, मतलब लाइट जो लाइट है वो नहीं आती, तो मैंने इन्वर्टर की लाइट जलाई हुई थी, तो उसमें जो मेरा फेस है वो थोड़ा अंधेरे में साफ नहीं आता है, किसकी पिक्चर अंधेरे में साफ नहीं आएगी, है ना, जो भी पिक्चर खींचते हैं तो उसके लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। तो उन्होंने मेरा फोटो वो स्क्रीनशॉट ले लिया, चोर तो है ही पक्के, तो कहते हैं कि ये तो इसका असली चेहरा ये है, ये तो फिल्टर लगाती है, ये तो वो लगाती है, ये तो इतनी काली है, ये तो वो है। देख उतनी काली तो मैं हूँ, ठीक है, जैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो में कोई फिल्टर नहीं लगाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, तुझे क्या मेरा रिश्ता कराना है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे दो बच्चे हैं, मेरा पति मुझसे बहुत खुश है, जैसी मैं हूँ उसे ऐसा ही वाइफ चाहिए था, और मैं अच्छी दिखती थी देखने में, तभी मेरा रिश्ता हुआ, तभी मेरी शादी हुई, तभी मेरे दो बच्चे हुए, ठीक है। तो मुझे किसी को सुंदर दिखाने की या किसी को मेकअप करके बैठ के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग हो जो भगवान के बनाए में नकल उतारते हो, पर हम लोग ऐसे नहीं है कि भगवान के बनाए में नकल उतारे, भगवान ने, परमात्मा ने हमें इंसान का शरीर दिया है,
वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें जैसी शक्ल दी है वो हमारे घर वालों को पसंद है, और किसी को पसंद आए ना आए उसकी इसका हमने ठेका तो लिया नहीं। हम काले हैं, गोरे हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, कम से कम किसी की तरह किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, धोखाधड़ी तो नहीं करते, षड्यंत्र तो नहीं रचते, किसी के नाम पर कमा के खाते तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो उत्तराखंड देवभूमि है इसके पेरेंट्स तक ये वीडियो जरूर पहुंच जानी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि इनकी जो बेटी है वो कैसी संगत में रहती है, पढ़ाई के नाम पर वो क्या क्या करती फिरती है, और इसका जो पूरा काला चिट्ठा है कहाँ रहती है क्या करती है, वो भी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि आकाश आकाश आकाश, ऐसे ना हो कि किसी दिन को मैं आकाश के साथ हुई बात जो कि फ़ोन सिम तोड़ के फेंक दिया, जो कि सिम बंद कर दिया गया था, न्यू सिम चला लिया था, मैं वो सारी रिकॉर्डिंग भी डाल दूं और फिर बैठे के बैठे रह जाएं। ठीक है, डालने को तो मैं सारी चैट भी डाल सकती थी, अगर मैं चुप बैठी हूँ तो बहुत कुछ सोच समझ के। बोलते हैं डर गई डर गई डर गई, तो डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं। ठीक है, जब मैं सच्ची होती हूँ ना तो किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ, और जब सच आएगा ना सामने तो पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी तुम लोगों की। ठीक है, मैं इतनी चुप हूँ, लेकिन जिस दिन मैं सारे ए टू जेड राज खोल के डालने लग गई ना यूट्यूब पर, तुम्हारे मैं सोचती हूँ अभी भी इनका घर है कि गृहस्थी है ना डालूं, लेकिन जिस दिन मैं सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ डालने लग गई ना, उसमें फिर ये नहीं कहेंगे कि मेरी आवाज़ नहीं है, क्योंकि आवाज़ तो तुम्हारी है, तुम अब ये नहीं बोल सकते कि मेरी आवाज़ में भी कोई बोलने लग गया। ठीक है, आवाज़ तो तुम्हारी ही रहेगी। जिस दिन मैं सारी डालने लग गई ना रिकॉर्डिंग, उस दिन पैरों तले से धरती खिसक जाएगी। अगर कोई इंसान चुप है तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाते बच्चों। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, और फिर मिलेंगे आपको हम एक अच्छी सी। और हाँ, वो जो है ना एक सिमुदा हिमालय गल, उसका भी आने वाला है, वो जो बच्ची का फोटो है ना उसका भी पता लगने वाला है उससे कि वो कौन है, क्या वो भी अमिता और उत्तराखंड देवभूमि है कि वो कोई और है, तो उस बच्ची के फोटो के जरिए उसका भी पता चलने वाला है कि वो कौन है। ठीक है, जितने ये गंदगी भरते हैं। और हाँ, एक भाभी जी ने मन की कलम दीदी की एक वीडियो डाली थी, जिस पर उन्होंने उनकी जो उन्होंने गाना गाया था खुद से वो उठा के अपनी चैनल पे डाली थी, पर वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। ऐसे ही सिर्फ हम जो है ना, जो बादल गरजते हैं ना वो बरसते नहीं हैं, और जो गरजते नहीं हैं वो बरस जाते हैं। तो कुछ हिंट ही दे रही हूँ, कुछ इशारा ही कर रही हूँ, आगे कुछ समझदार हो, वैसे भी आप लोग बहुत अपने आप को माइंडेड समझते हो, पर तुम्हारी जो अकल है ना वो सारी पीछे गई हुई है, अकल तुम लोगों के पास नाम चाल को भी नहीं है कैसी है, सिर्फ गंदगी बकवास करना आता है, उससे तक कुछ नहीं आता है। अभी मैं फिर चुप होंगी, अभी बोलता तुम लोगों ने डर गई, अभी मैं फिर चुप हो जाऊंगी, 3-4 दिन के लिए, 1 वीक के लिए मैं फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन उसके बाद जब फिर दोबारा से आऊंगी तो फिर कुछ बड़ा धमाका लेके आऊंगी। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, फिर मिलेंगे कुछ टाइम के बाद। वीडियो तो कंटिन्यू आती रहेंगी, पर किसी खास टॉपिक पर आएगी कुछ टाइम के बाद, जब फिर से एक बार फिर से खुला चिट्ठा खुलेगा इनका सामने। अब मैं सोचती थी अब तो ये लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं नहीं ये उत्तराखंड देवभूमि की ना फेक आईडी परी ने ही बनाई है, क्योंकि सब फेक आईडी तो बनाने का ठेका मैंने ले रखा है, तो शुक्र मानो मैंने ये नहीं बोला अब तक कि उत्तराखंड देवभूमि की फेक आईडी भी मैंने ही बनाई है। ऐसा तो नहीं कि इनसे मैं ही बात करी थी इतने दिनों से उत्तराखंड देवभूमि बनकर। बच्चों हो, बच्चे रहो, ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि तेरे संस्कार तो सारे निकलने वाले हैं, तूने बहुत लोगों से पंगा लिया, तूने बहुत लोगों को अपशब्द बका, तूने सारी लिमिट फेल की, झूठ बोलने की, गाली गलौज करने की, तो ये वीडियो तेरे घर वालों तक पहुंचनी चाहिए कि तूने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अभी तेरा बायोडाटा भी, तेरा बैकग्राउंड सब बताती हूँ, इंतजार करो, घड़ी है ना उसको देखते रहो, कुछ टाइम के बाद फिर आऊंगी एक बड़े धमाके के साथ। तुम्हारी तरह रोज तो भोगती तो मैं होनी की, आज ये आज कुछ भी ना हो, बस गांव के बच्चों को ले आए, कभी एक औरत को ले आए,
कभी कुछ बोलने लग गए, कभी उठा के मेरी ही क्लिप डाल दी। किसी दिन को मेरी क्लिप डालने के ऊपर ही बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, मैं जो कुछ करती हूँ ना तो मैं बता के नहीं करती हूँ, जो मुझे कुछ करना है ना वो मैं कर ही देती हूँ, और उसके लिए तुम लोग तैयार रहना कि अब आगे क्या क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी तरह रोज रोज मुझे यहाँ बैठ कर वीडियो बैठ के भूखना नहीं आता है। जो कुछ करती हूँ ना वो एकदम से करती हूँ। शांत थी 3-4 दिन से, तो वो शांत वाला काम हो गया। अब 3-4 दिन या कुछ टाइम के लिए फिर से शांत होंगी और फिर से एक बड़ा विस्फोट होगा। वो कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ किसी की भी पोल खुल सकती है किसी भी टाइम पर। तो फिर बोलूँगी सतर्क रहें, सावधान रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अमिताभिष्ट और उत्तराखंड देव भूमि, अगर तेरी फोटो नहीं है तो वायरल हो जाने देना, क्यों डर रही है इतनी? जिसकी फोटो है वो अपने आप देख लेगा, तुझे क्यों इतना डर बैठे जा रहा है? हो जाने दे वायरल, तेरी फोटो नहीं है ना ये, हो जाने दे वायरल। जिसकी फोटो है वो अपने आप पहचान लेंगे उसके घर वाले, है ना। अभी मैंने बनाई है वीडियो, अभी और बनाइए बहुत सारे लोग वीडियो, इंतजार कर।